खुलासा रणबीर को लेकर कही ये बात। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पिछले कई समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। वह दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों अयान मुखर्जी की निर्देशित फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार वैसे आलिया भट्ट रणबीर के काम की बड़ी ही फैन है। हाल ही में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अयान मुखर्जी से गुजारिश की थी कि वह उनको फिल्म ब्रह्मास्त्र में कास्ट करे। आलिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए बेताब थी। एक मीडिया पब्लिकेशन से बातचीत करते हुए आलिया ने कहा कि जब अयान मुखर्जी ने फिल्म ये जवानी है दीवानी की थी, तब से ही ब्रह्मास्त्र के बारे में सोचा जा रहा था। मैं अयान के साथ काम करना चाहती थी, साथ ही मैं हमेशा से रणबीर कपूर के साथ भी काम करना चाहती थी। आगे आलिया ने बताया कि वह रणबीर की बहुत बड़ी फैन है। बता दे कि फिल्म ब्रह्मास्त्र में मौनी रॉय और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी अहम भूमिका में। करण जौहर इस फिल्म के निर्माता है और यह फिल्म इस साल क्रिसमस के अवसर पर रिलीज होगी। जब बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस होकर मचाया था तहलका, तब हुआ था कुछ ऐसा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों के दिलों में एक खास पहचान बनाई है। आज उनका बर्थडे है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने तिरंगा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस बीच 1993 में वह एक बार सुर्खियों में आई। इसी साल ममता ने टॉपलेस फोटोशूट कराकर तहलका मचा दिया था। ये बात उस समय की है जब ममता फिल्म इंडस्ट्री में नई थी। उन दिनों स्टारडम मैगजीन के कवर शूट के लिए एक नए चेहरे की तलाश की जा रही थी। कई बड़ी हीरोइनों ने वो शूट कराने से मना कर दिया था। उस वक्त किसी ने ममता कुलकर्णी का नाम सुझाया था। इसके बाद ममता ने बिना किसी हिचकिचाहट के जमकर टॉपलेस पोज दिए। उस वक्त इतना बोल्ड फोटोशूट हुआ, रातों रात लाइमलाइट में आ गया। हालांकि कुछ लोगों को ममता का यूं टॉपलेस होना रास नहीं आया। कई लोग ममता कुलकर्णी के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। इन सब के बीच ममता कुलकर्णी के करियर को फायदा हुआ। आमिर खान से लेकर सलमान खान, हर बड़े स्टार ने ममता कुलकर्णी के उस बोल्ड फोटोशूट की तारीफ की। लेकिन आज ममता बॉलीवुड से काफी दूर है। शुरुआत में ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों की खबरें आई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी के साथ जुड़ गया। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।